नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आतंकी हमला होने की आशंका है। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले का इनपुट मिलने का खुलासा किया है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 22 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान रैली में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों के द्वारा हमले की साजिश रची जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने पीएम मोदी के खिलाफ अन्य बड़े नेताओं के खिलाफ हमले की साजिश रची है। खुफिया सूत्रों ने सीमा पार से जुड़े मैसेज को जो इंटरसेप्ट किया है उसके मुताबिक जैश ए मोहम्मद इस तरह की साजिश रच रहा है। आतंकी साजिश के मद्देनजर खुफिया ब्यूरो ने SPG और दिल्ली पुलिस को पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के लिए कहा है। इसी बीच दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे लगातार विरोध प्रदर्शन ने दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली पुलिस को एजेंसियों ने खुफिया जानकारी मिली है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान आतंकी संगठन दिल्ली में कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं, इसलिए यूपी हरियाणा और राजस्थान पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।